राजस्थान में। तो इसलिए आप सबका यहाँ वेलकम है। तो अब मैं अशोक जी को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ तो बहन बेटी को ज्यादा आगे करते नहीं, लेकिन उनका नाम तो है ही, तो अशोक जी हमारे उनका सम्मान करते हैं। ये मेडल हमारी कंपनी की तरफ से ज्योति के नाम पे जाना और मैंने डिसीजन ले लिया कि ये काम कोई करे या ना करे, इस काम को मैं करूंगा, मुझे करना है, क्योंकि तरक्की मुझे करना है, कामयाबी मुझे चाहिए, कामयाब मैं होना चाहता हूं, तो काम भी मैं ही करूंगा ना, डिसीजन तो मुझे लेना पड़ेगा जी, सच है ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो मैंने डिसीजन ले लिया, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। डिसीजन लिया और लेते ही मेरे साथ तीन चैलेंज आ गया। लेते ही डिसीजन सोच लिया कि मुझे काम करना है, कुछ करना है, तो मेरे साथ तीन चैलेंज आया। अक्सर बहुत सारे साथी के साथ आता है, पहला चैलेंज था मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम की बहुत बड़ा इशू है हर एक इंसान के साथ, राइट? मैं सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। दुकानदार है ना, दुकान अपनी रोजी रोटी के लिए निकलेगा, बिजनेस के लिए, या बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिए निकलेगा, यस या नो? जॉब का नौकरी करने वाला तो नौकरी के लिए निकलेगा, दुकानदार है तो अपने कारोबार के लिए, दुकानदार के लिए, दुकान के लिए निकलेगा, सच है ना? तो मैं सुबह 9 बजे अपने घर से निकल जाते थे अपने रोजी रोटी के तलाश में। लगभग 7 बजे तक मैं सिलाई का काम किया करता था, टेलर मास्टर, ऑलराउंडर मास्टर, लेडीज जेंट्स सब चीज मैं कटिंग करके बनाता हूं, मास्टर। और 7 बजे के बाद फूड पे पटरी पे जाके हम टी शर्ट बेचा करते थे। लगभग 9 बजे घर से निकलते थे, रात में वापसी जो घर आते थे वो 12-1 बज जाता था रात। कितना? अब आप एक चीज बताइए, 12 बजे के बाद कोई भी इंसान कोई काम कर सकता है? बताएं सर, बताएं सर,
सच है ना जी। लेकिन कहा जाता है जहां पे चाह है वहां पे राह है, सच है ना जी। जहां पे चाह है वहां पे राह भी है, कि आप जो चाहते हो बार बार तो कुदरत कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता देता है जिसपे आपको चलना होता है, और चल के वो कामयाबी आपको हासिल करना होता है, और उस कामयाबी तक आप जब पहुंचते हैं तो दुनिया आपके लिए एक क्या कहते हैं रोल मॉडल बनाती है, दुनिया आपको एक एक अच्छा लीडर मानता है, ये अच्छा भाई मानता है, जो भी हो, जब आप कामयाब होते हैं तो लोग आपको एक कामयाब इंसान समझता है, सच है ना। लेकिन उससे पहले कोई नहीं पूछता है। पहला चैलेंज था मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैंने एक चीज सोच लिया कि मेरे पास टाइम नहीं है कैसे करूंगा, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर हमने सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है, टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है, पैसा नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो बेशुमार पैसा होना चाहिए, हम इतने बिजी हैं अपने कारोबार में या काम में, तो हमारे पास लाखों की इनकम होनी चाहिए, यस या नो, तभी तो हम इतने बिजी हैं। लेकिन देखा ना टाइम है और इनकम देखा अपनी कि कितना मैं कमा रहा हूं, तो मैंने 300 रुपए से स्टार्ट किया था अपनी कमाई को, और वहां पर 30,000-35,000 पर मंथ हम कमाते थे, कितना 30,000-35,000 पर मंथ। एक नॉर्मल आदमी की जो 30,000-35,000 की इनकम होती है अच्छी खासी होती है, दाल रोटी बढ़िया से चल जाता है, सच है ना जी सर। मेरे लिए भी अच्छी खासी थी, लेकिन मैंने ये देखा कि 22 साल हो गया काम करते हुए, आज भी ना टाइम है, मैं 50,000 रुपए के लिए कभी सोच ही नहीं सकता, ऑप्शन भी नहीं है। अगर 10 दिन के लिए काम ना करो, 10 दिन के लिए अगर कहीं जाते थे तो इनकम हमारी हो जाती थी 0। अगर हम दुकानदार हैं, अगर दुकान ना खोले, चाचा आप बताओ काम चलेगा, पैसा आएगा कहां से आएगा, नहीं आएगा। एक बार चाचा के लिए फिर से ताली बजा दीजिए, सच है ना, ये सच्चाई भी है। और ये हम देखो अंकल से इसलिए हमने पूछा, एक सवाल होता है सबका जवाब होता है, यस या नो, एक सवाल में कैसे जवाब छुपा हुआ होता है, और ये सभी के साथ ये होता है। तो मैंने ये देखा ना मेरे पास टाइम है ना मेरे पास पैसा है, सुरक्षा कुछ है तो सुरक्षा किसको कहते वो पता ही नहीं है। जैसे अभी सर ने दिखाया ना बुढ़ापा से बचपना तक, बचपना से बुढ़ापा तक दिखाया ना उन्होंने, कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड पड़ जाते हैं, कुछ अनाथ आश्रम में जाते हैं, कुछ तो कुछ भी नहीं होता है, बुढ़ापा में भी उनको काम करना पड़ता है दाल रोटी के लिए, क्योंकि उनको उनके पास कोई साधन नहीं हो पाता है, सच है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपनी सोच को वो अलग नहीं करते हैं, वो जैसे लोग सब होते हैं वैसे उनमें उन्हीं सोच में वो भी रह जाते हैं, उनको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, जिसके कारण वो भी वैसे ही रह जाते हैं जैसे सब होता है, सच है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं रहना था, मुझे एक चीज दिखा ना टाइम है ना पैसा है, सुरक्षा किसको कहते हो हमें पता ही नहीं, 10 दिन काम ना करो इनकम 0, 22 साल हो गया काम करते हुए, आज भी 10 दिन काम ना करो इनकम 0, इसका मतलब है मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और करने की जरूरत है, राइट yes। तो मैंने कहा टाइम मोइन मिलता नहीं है, दुनिया का हर इंसान के लिए कुदरत ने 24 घंटे टाइम दिए हैं, कितने घंटे।